नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पार्टी स्मार्ट कैप्सूल के बारे में, जो कि शराब के हानिकारक प्रभावों को कम करता है। इसी वीडियो में यही बताने वाला हूं कि क्या इसके साइड इफेक्ट है, कैसे लेनी चाहिए व किन किन पेशेंट को ये कैप्सूल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों क्या है कि आजकल शादी हो या किसी प्रकार की कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या कोई बर्थडे पार्टी हो, किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो, तो लोग शराब जरूर पीते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है आजकल। तो शराब वैसे तो सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन बहुत से लोग इसे पीते हैं। तो क्या इसके साइड इफेक्ट कैसे क्या क्या होते हैं ये सब पता है, लेकिन फिर भी बता दूं कि इसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए हम हिमालय पार्टी स्मार्ट कैप्सूल कैसे यूज करते हैं। अब बात कर ले दोस्तों हिमालय पार्टी स्मार्ट कैप्सूल, जो कि हिमालय कंपनी बनाती है, जो कि एक स्ट्रिप में 5 कैप्सूल आते हैं, जो कि आपको 70 रुपये के समथिंग किसी भी मेडिकल स्टोर पर या किसी हॉस्पिटल में, किसी फार्मेसी में, कहीं पर भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। अब बात कर ले दोस्तों कि इसे के क्या क्या यूज है, यानी कि इसके क्या बेनिफिट हैं, यानी कि ये कैप्सूल लेने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं। तो कई लोगों को शराब की लत होती है, उसी को कम करता है। साथ ही साथ आपको सर दर्द वगैरह हो रहा है, यानी कि शराब पीने के साथ आपको पीने के बाद सर दर्द होता है, तो सर दर्द वगैरह हो रहा है, तो सर दर्द के लिए एक सबसे आयुर्वेदिक टेबलेट और अच्छी टेबलेट है। साथ ही साथ ये जी मितलाता है या उल्टी वगैरह पड़ती है, तो ये उसे रोकने के लिए भी काम ही करती है। साथ ही साथ जैसे कि आप शराब पीते हैं, उसके बाद शरीर में थकावट सी महसूस हो जाती है, यानी कि बॉडी लूज हो जाती है, पूरी एनर्जी डाउन पड़ जाती है, उसको भी गेन करती है, उसमें भी काम करती है। साथ ही साथ ये और बहुत सी दिक्कत होती है, जैसे कि जी मितलाना हो गया, बॉडी में बिल्कुल भूख वगैरह ना लगना, लीवर बिल्कुल डाउन पड़ जाना, तो ये उसी में काम करती है। अब बात कर ले दोस्तों कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी इस कैप्सूल के अंदर ऐसा क्या क्या है जो ये काम करता है। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा, जैसे कि अंगूर होता है, इसमें ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, यानी कि स्ट्रेस को, यानी कि तनाव को कम करता है। साथ ही साथ ये पेट में छालों को ठीक भी करता है। और इसमें खजूर होता है, चिरायता होता है, और इसमें दोस्तों कासनी होती है। ये कुछ इसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐड है जो कि शराब के साइड इफेक्ट को कम करते हैं। अब बात कर ले दोस्तों कि इसकी खुराक, यानी इसकी डोज हमें कैसे लेनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी डोज डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या वो शुगर का पेशेंट है या कोई बीपी का पेशेंट है, या कोई बॉडी वेट है उसका ज़्यादा है या कम है, या कोई इसको लॉन्ग टाइम से डिजीज चल रही है, उसी पे डिपेंड करता है, या प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें मेनली तो आपको 1 डोज लेनी होती है 100 CC, यानी कि जब आप शराब पी रहे हैं तब भी ले सकते हैं, उससे पहले भी ले सकते हैं, या शराब पीने के बाद भी ले सकते हैं, या शराब के साथ भी ले सकते हैं। अब बात कर ले दोस्तों कि क्या ये पेट के लिए सुरक्षित है। तो दोस्तों ये पेट के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। आप ये शराब के साथ भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, या पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात कर ले दोस्तों कि क्या गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो एक गर्भवती महिला ही अल्कोहल ना ले तो ही ठीक है, वो किसी प्रकार का शराब का सेवन ना करें तो ही ठीक है, और अगर लेना चाहती है तो ले सकती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, आप ना ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसका कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है और इस पर हमारा किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। अब बात कर ले दोस्तों क्या ये कैप्सूल लेने के बाद हम गड्डी वगैरह या कोई कार ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, कोई मशीन का काम कर रहे हैं, तो कर सकते हैं बिल्कुल। ये लेने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई नींद नहीं आएगी, किसी प्रकार के शरीर में सुस्ती नहीं आएगी, कोई थकावट महसूस नहीं होगी, बल्कि ये आपको शराब के साइड इफेक्ट को कम करेगा, यानी कि शराब जो अल्कोहल के साइड इफेक्ट हैं उनको कम करने में सहायक है। अब बात कर ले दोस्तों कि कई बार वो लोग बोलते हैं कि ये ले रहे हैं तो इसके आपको लत लग जाती है, यानी कि आपको शराब के बाद ये लेना ही होता है, आपको लेना ही लेना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप ले या ना ले ये कुछ भी डिपेंड नहीं करता। अगर आपको जरूरत है तो आप ले लें, अगर आपको नहीं लगता तो आप नहीं लें, इससे किसी प्रकार की कोई लत नहीं लगती है। यह एक नॉर्मल कैप्सूल है जो कि आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, कोई लत नहीं लगती। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे।